हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सारे रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो इलीगल नहीं होते हैं राइट right? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंट केस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में हम कब हम ये जानेंगे कि क्या सारे जो आपके धर्म परिवर्तन होते हैं वो क्या इलीगल होते हैं जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सारे जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगली ही हो राइट ये वो जरूरी नहीं है कि वो कोर्जन में ही किए गए हों इन्फ्लुएंस में ही किए गए हों

आप अपने सिलेबस को कम्प्रीहसिव तरीके से कवर अप करना चाहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमारा स्मार्ट जुडिशरी कोर्स खरीद सकते हैं इन जस्ट रुपीज तो अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड एस तो आपको ये कोर्स मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट में दैट इज दस हजार चार सौ निन्यानवे में और इस कोर्स के एक यूनिक फीचर है कि हम जो है वीकली डाउट सेशन कंडक्ट कराते हैं जहां पे स्टूडेंट जो है डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट होकर अपने सारे डाउट को रिजोल्व कर सकता है और अब आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रमी श्रीवास्तव के नाम से और सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं श्रमी श्रीवास्तव के नाम से इंस्टाग्राम पे तो कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स या एग्जामिनेशन आप मुझसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को तो ये जो ये रीसेंट केस है जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सारे रिलीजियस कन्वर्जन जो है इलीगल नहीं होते हैं उस केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस सैमुअल डैनियल नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई uh, कोर्ट की बेंच ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लोगे अगेंस्ट द पर्सन अगर वो मैंडेटरी डिक्लेरेशन से कंप्लाई नहीं करता है जो मैंडेटरी डिक्लेरेशन सेक्शन टेन में दे रखी है मध्य प्रदेश रिलीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में नाउ इस सेक्शन टेन क्या कहता है सेक्शन टेन जो इस पर्टिकुलर एक्ट का है मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का वो ये कहता है कि अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने कन्वर्जन की टू दि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साठ दिनों के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि आप कन्वर्ट हो रहे हो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में ये कहता है आपका सेक्शन टेन और उस उसपे यहाँ पे मध्य मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी पर्सन उस सेक्शन को फॉलो नहीं करता है या उस सेक्शन से कंप्लाई नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कोई भी कोर्स एक्शन नहीं लोगे राइट नाउ सेक्शन टेन मेक्स इट ऑब्लिगेट्री फॉर अ सिटीजन डिजायरिंग कन्वर्जन टू गिव अ डिक्लेरेशन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब सेक्शन टेन क्या कहता है ये ऑब्लिगेटरी है सारे सिटीजन पे कि अगर वो चाह रहे हैं कि वो दूसरे रीजन में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ऑनरेबल मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है राइट right? जो उनके ओपिनियन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 10 नाउ इसी वजह से फर्दर ऑर्डर तक यहां पे रिस्पोंडेंट शैल नॉट बी प्रोजिक्यूटेड और यहां हाई कोर्ट का कहना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है कि रेस्पोंडेंट को आप प्रोजिक्यूट नहीं करोगे और ना ही उसके खिलाफ कोई भी आप क्या कहते हैं कोर्स एक्शन लोगे स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती उनके खिलाफ कोई भी कोर्स एक्शन अपनी मर्जी से शादी करते हैं या अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे टिल दर्दर ऑर्डर ऐसा हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया राइट right? नाउ ऑन पेपर जो मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 2021 का वो प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन किसी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे बाय यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन फोर्स अंडू इन्फ्लुएंस कोअर्जन और एनी अदर फ्रॉडलेंट मीड मीन्स uh, अलोमेंट या फिर प्रोमिस ऑफ मैरिज तो इन सब ग्राउंड पे अगर आप कन्वर्ट करते हो दूसरे रिलीजन पे तो वो uh, ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है कि भाई कोर्जन करके आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते उस पैंडो इन्फ्लुएंस लगा के कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन में या प्रोमिस ऑफ मैरिज करके आप कन्वर्ट नहीं, कर नहीं हो सकते दूसरे रिलीजन में राइट तो ये पर्टिकुलर एक्ट इन सारी चीजों को इन सारे अगर फैक्टर्स की वजह से आप कन्वर्ट हो रहे हो दूसरे रिलीजन को उसको प्रोहिबिट करता है नाउ ऑब्जर्विंग दैट नॉट ऑल केसेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन कैन बी इलीगल सुप्रीम कोर्ट का सारे जो कन्वर्जन हो रहे हैंजन हो रहे हैं वो कोवर्जन में हो रहे हैं ऐसा नहीं माना जाएगा और यह ऑब्जर्वेशन देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टे करने को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर को राइट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम स्टे नहीं करेंगे मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट के ऑर्डर को, राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग इट्स एंटी कन्वर्जन लॉज बाई विच हैड टू गिव 60 डे प्रायर नोटिस टू अथॉरिटीज बिफोर कन्वर्टिंग टू और इंप्रेसिंग एनर रिलीजन ठीक है अब बेसिकली यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे अगर कोई सेक्शन टेन से कंप्लाई नहीं करता है और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपने एंटी कन्वर्जन लॉ को ठीक है जहां पे पर्सन को साठ दिन पहले नोटिस देना होता है किसको इंफॉर्मेशन देनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि साठ दिनों के अंदर हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं या हम इम्ब्रेस कर रहे हैं कोई और रिलीजन uh, तो इसका जो नोटिस पे अगर कोई इंसान कंप्लाई नहीं करता है तो उस पर इसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं कर सकता कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन

क्वायरिंग टू मंथ प्रायर कन्वर्जन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेड इट्स ऑपरेशन इन नवंबर अब यहाँ पे बेसिकली जो मध्यप्रदेश गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंटर्म स्टे लग जाए उस ऑर्डर पे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे उस हाईकोर्ट के ऑर्डर पे जिस ऑर्डर में ये कहा गया हाईकोर्ट द्वारा की अगर आप जो है इन्फॉर्म नहीं करते तो आपके खिलाफ कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया जाएगा साठ दिन का अगर आप प्राइ नोटिस नहीं देते तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और यहाँ पे प्राइमर फेसआई एक ओपिनियन है हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कि सेक्शन टेन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उस सेक्शन टेन के ऑपरेशन को स्टे कर दिया नवंबर में हाईकोर्ट के ऑर्डर से राइट नाउ द हाईकोर्ट उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने क्या स्टेट किया कि जो आपका ये फंडामेंटल uh, राइट right है ठीक है एन इंडिविजुअल हैज अ फंडामेंटल राइट डिसाइड दॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है क्या फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है यह एक इंडिविजुअल का राइट right है डिसाइड करना और इसमें आपका राइट टू रिमेन साइलेंट जो है इंप्लीसेट है

और कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरे अपने अपनी चॉइस चो, को जो आपने चूज किया है ये आपका इंप्लीसेड है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव आपके पास फ्रीडम है आप चाहो तो बताओ चाहो तो ना बताओ राइट right? और आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप चूज कर सकते हो अपना फेथ नाउ प्रेसिंग हार्ट फॉर एन इंटर स्टे स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चाहती है कि इंटर स्टे मिल जाए इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट तो उस पे, आ, करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्लीट करते हैं स्टेट की तरफ से कंटेंट करते हैं दैट एन इशू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन वॉज अ नेशनल इशू अब यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जो ये रिलीजियस कन्वर्जन है ये आपका एक नेशनल इशू है और इंटरफेथ मैरिज वॉज बीज यूज फॉर कन्वर्जन और इंटरफेथ मैरिज को यूज किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए राइट right. एंड uh, उनका और कहना है कि अगर मान लो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वुड बी रेप्लीकेटेड अक्रॉस कंट्री और फिर कोर्ट का को जो ये ऑर्डर आया है ये रेप्लीकेट होगा थ्रू आउट दी

सिक्सटी डेज इन एडवांस अबाउट देयर डिसीजन टू कन्वर्ट वो प्रोहिबिट नहीं कर रहा है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कन्वर्जन या मैरिज को वो बस ये कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को साठ दिनों के अंदर के ही सेट दैट दी प्रोविजन फॉर प्रायर नोटिस वॉज देयर इन ऑल्सो नाइनटीन सिक्सटी एट एक्ट यहाँ पे तुषार मेहता कहना है की जो ये प्रोविजन है इन्फॉर्म करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो नाइनटीन सिक्सटी एट वाले एक्ट में भी है राइट right? अपहेल्ड किया है Apex Court नहीं. But पे इसके रिस्पॉन्स में बेंच का ये कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये कहना है कि नाइनटीन सिक्सटी एट वाले एक्ट में कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं था ठीक है अब पीनल प्रोविजन न्यूली uh, इनैक्टेड एक्ट में है जो न्यूली मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है इसमें पीन, प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया है सेक्शन टेन प्लॉस टू में तो इसी वजह से यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम स्टे नहीं करेंगे रिफ्यूज कर दिया हम स्टे नहीं करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को और हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि स्टेट जो है इंप्लीमेंट नहीं करेगा एंटी कन्वर्जन लॉज और वो कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट अगर वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होता है एज दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड सेट दैट ऑल कन्वर्जन नॉट बी इलीगल कन्वर्जेंस को जरूरी नहीं है कि सारे रिलीजियस कन्वर्जन आपके इलीगल कन्वर्जन ही हो या फिर में ही कन्वर्ट कराया हो राइट तो दिस वॉज ऑल अबाउट ये था पूरे केस के बारे में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया और मना कर दिया कि हम जो है स्टे uh, नहीं लगाएंगे हाईकोर्ट के ऑर्डर से मध्यप्रदेश के ऑर्डर से तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन आई होप यू हैव अंडरस्ट इट वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग